अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। एक एप्लीकेशन है, तीन तरीकों से मैं उससे पैसा निकाल रहा हूँ। एक तरीका यह है जिससे मैं डेली थोड़ी बहुत अर्निंग निकालता हूँ। दूसरा तरीका यह है उसके अंदर कि मैं हफ्ते दो हफ्ते या महीने के अंदर एक दो बार अच्छी खासी अर्निंग निकाल लेता हूँ, मतलब कि छोटा छक्का लगा लेता हूँ, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि महीने दो महीने बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है कि मैं उसके ऊपर एक बड़ा छक्का लगाता हूँ। छक्के से आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कितना बड़ा छक्का होता है कि लास्ट टाइम पिछले मंथ के अंदर ही ये छक्के की अपॉर्चुनिटी आई थी, तो तकरीबन मैंने 2500-2700 डॉलर के दरमियान में निकाला था, ठीक है। तो मैंने वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, होप सो बहुत सारे लोगों ने निकाला होगा वहां से पैसा शैसा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने वहां से कितना पैसा निकाला। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो तीनों तरीके बता दूंगा कि एक ही एप्लीकेशन से मैं तीनों तरीकों से कैसे निकालता हूं, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा भी, छोटा छक्का भी और बड़ा छक्का भी, तो तीनों तरीके भी सीखते हैं और छक्के लगाना भी आप लोगों को सिखाता हूं। तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि इस तरह के छक्के छक्के आप लोगों को मिलते रहे। तो चलते हैं जरा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, दूसरा मोबाइल पता नहीं किधर गया, हाँ मेरी जेब में ही है, ठीक है। तो ये निकालते हैं जेब से मोबाइल, साइड में आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी, तमाम डिटेल्स आप लोगों को मोबाइल पे सिखाता हूँ जी। तो हो सकता है इस ऐप से बहुत सारे लोग फेमिलियर हो, बहुत सारे ना हो, ठीक है। तो बाइनेंस ऐप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं छोटा छक्का कैसे, मतलब कि डेली की अर्निंग कैसे करता हूँ, फिर छोटा छक्का, फिर बड़ा छक्का, ठीक है। तो डेली की अर्निंग के ऊपर जरा हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वैलेट सेक्शन के अंदर। वैलेट सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं सबसे ऊपर जाता हूँ अर्न सेक्शन के अंदर। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो भाई यहाँ पे डेली का मेरा मतलब कि प्रॉफिट बनता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने एपीई को होल्ड किया हुआ है। एपीई एक क्वाइन है, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग देखें तो मुझे 3.8 एपीई एक जगह से मिल चुके हैं और 20 एपीई एक जगह से मिल चुके हैं। अब एपीई की अगर वैल्यू देख लें, यहाँ पे देख लें 20 है और ऊपर 4 कर ले चले 24 हो गए टोटल। तो यहाँ पे आए हम एपीई की, जरा ये सामने खड़ा है, वैल्यू निकालते हैं तो 3.98 इसकी वैल्यू है, ठीक है, मतलब $4। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जरा कैलकुलेटर के अंदर, और कैलकुलेटर के अंदर आके हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर में आगे देख लेते हैं कि $4 उसकी प्राइस है, 28 एपीई मुझे मिल चुके हैं, टोटल $112 मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये डेली का छोटा छोटा छक्का होता है, ठीक है। अब आप लोग इस टाइम अंदाजा लगा ले, तकरीबन 300 रुपए के ऊपर डॉलर है, तो 30-40 हजार आराम से मुझे यहां से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब यहां पे ये कैसे लगाते हैं आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप दूसरे छक्के के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये करना होता है कि आप लोग होम सेक्शन के ऊपर आते हैं, इसका किसी को नहीं पता इस एप्लीकेशन का, परेशान नहीं होना। मैं जैसे वीडियो खत्म होगी, इस वीडियो के ऊपर अकाउंट बनाने का तरीका और उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करने का तरीका, उसके बाद डॉलर्स खरीदने का तरीका, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, वो वीडियो देख लेनी है, आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अपने जुगाड़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आने मोर सेक्शन के अंदर, ठीक है, मोर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। मोर के ऊपर आएंगे तो नीचे आप लोगों ने अर्न वाली टैब के अंदर आना है, ठीक है। ये अर्न वाली टैब, इसके अंदर ये देखिए अर्न के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है डेफी स्टेकिंग, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो क्वाइन जिनके ऊपर स्टेकिंग अलाउ होती है वो यहाँ पे पड़े होते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि इसके ऊपर आप लोगों को कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक के ऊपर आता हूँ, स्टेक नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम डाल लेता हूँ, तो जो कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप लोग 44 डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आई रीड एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप मुझे बता रहे हैं कि भाई ना आपको डेली का 0.20% जो है इसका प्रॉफिट जो है वो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो भी क्वाइन आप लोगों के पास पड़ा हो, अब मैंने ये काम क्यों किया यहाँ पे जरा गौर से समझे। मैंने एपीई क्वाइन बाय किया, अच्छी बाइंग थी मेरी, $4 पे मैंने इसको बाय किया था, ठीक है। अभी 3.98 पे चल रहा है, ठीक है। मैंने इसको $4 पे बाय किया और मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था कि यार जब ये $6 पे जाएगा ना मैंने इसको तब सेल करना है। तो जब तक 6 पे नहीं जाता तो क्या ये अंडे देता रहेगा यहाँ पे, जी। तो ये तरीका है जिससे ये अंडे देता रहता है और मतलब कि आप लोगों को वो क्वाइन आप लोगों के इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आके देखें तो मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ डेली का जो मुझे मिलता रहता है। यहाँ पे स्पॉट सेक्शन के अंदर आप लोगों को इसका रिवॉर्ड मिलता रहता है और यहाँ पे नीचे आए तो पहले मैंने अर्न सेक्शन दिखाया था ना आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को स्पॉट सेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये डेली के तकरीबन कितने हो चुके हैं, $16। तो $16 इस वक्त फ्री में मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है छोटे छोटे जुगाड़ लगाने का डेली बेसिस के ऊपर। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है आप भी पाकिस्तान से, मैं भी पाकिस्तान से हूं, तो इस वक्त अगर डॉलर्स की बात की जाए तो डॉलर जो हमें बाइनांस के ऊपर पड़ता है वो तकरीबन 300 रुपए का पड़ता है। तो $16 को जरा कन्वर्ट करें ना, आपको लग समझ जाएगी कितना पैसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं छोटे जुगाड़ के ऊपर। छोटे जुगाड़ क्या है, छोटा जुगाड़ है भाईजान मेरा जो जुगाड़ है, फेवरेट जुगाड़, वो है बीएनबी। बीएनबी एक ऐसा कॉइन है
जो हमेशा नीचे आता है और हमेशा ऊपर जाता है। जब भी नीचे आता है मैं इसकी बाइंग कर लेता हूं, और ऊपर क्यों जाता है इसकी वजह आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी किसी भी क्वाइन को लॉन्च किया जाता है ना बाइनांस के ऊपर, लॉन्च पैड के ऊपर, तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो बीएनबी के थ्रू होती है। तो जब भी ये नीचे आता है बाइनांस कोई ना कोई लॉन्च पैड अनाउंस कर देता है, जैसे लॉन्च पैड अनाउंस करता है इसकी वैल्यू शू करके ऊपर चली जाती है, जब ऊपर जाती है मैं सेल आउट कर देता हूं। ठीक है, तो ये सबसे फेवरेट है जो मेरा हफ्ते दो हफ्ते का जो सीन होता है। यहां पे अभी आप लोग देखें जरा, मैं बैक आता हूं। यहां पे अभी बीटीसी भी नीचे आया हुआ है, 27 पे आया हुआ है, 30,000 से 27 पे आया हुआ है। ठीक है, इथेरियम भी 2100 से नीचे आया हुआ है, लेकिन स्टिल परफॉर्म कर रहा है बीएनबी। क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि बाइनांस से एक लॉन्च पैड ऑफर किया हुआ है। अब यहां पे लॉन्च पैड की बात कर लेते हैं। तो लॉन्च पैड के अंदर पिछला जो लॉन्च पैड आया था स्पेस आईडिया वाला, वो मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2500-2600 USDT जो है वो प्रॉफिट निकाला था। बड़ा ही आसान तरीका है, सिर्फ आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लेना होता है। कैसे करना होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां भी आप लोग नीचे आएंगे, ये इस जगह पे, ठीक है, यहां पे कैंपेन्स के अंदर, यहां पे ये लॉन्च पैड की यहां पे ऑप्शन नजर आ रही है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो यहां पे अब ये पहला जो है ओपन कैंपस ईडीयू, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक कर लेते हैं, यहां पे ये आप लोगों को दिखा देता है, ठीक है, कि होल्डिंग पीरियड कौन सा है, उसके बाद कैलकुलेशन कब होनी है, रिवार्ड आप लोगों को कब मिलने हैं। अब स्पेस आईडी का ये सीन था, जो उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी वो 0.025 थी, ठीक है, और जब वो लॉन्च हुआ उसकी प्राइस तकरीबन $1 तक गई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, टेंशन ना ले, ठीक है। यहां पे ये हम आईडी सर्च कर लेते हैं आप लोगों को, ताकि साथ साथ समझ भी आती रहे ना। तो ये आईडी जो कॉइन था, अभी इसकी प्राइस 0.06 पे है, लॉन्च हुआ था 0.02 पे, ठीक है, यहां पे, और ऊपर देखें ये तकरीबन 2 को टच करके आया, कल परसों ये 1 को टच करके आया, ठीक है। तो अब सीन क्या होता है, जब आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपके पास बीएनबी में फंड्स होते हैं, तो ये आपको लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर जो कॉइन्स है ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉन्च होने से पहले पहले, ठीक है। अब इसकी जो आईडी की लॉन्चिंग प्राइस थी वो 0.025 थी, मुझे तकरीबन 4000 कॉइन इन्होंने ट्रेडिंग ओपन होने से पहले गिफ्ट कर दिए, दे दिए, ठीक है। अब उसकी वैल्यू 0.025 से जब वो 0.5 तक गई तो मैंने सारे सेल आउट कर दिए, तो मुझे ठीक ठाक करके प्रॉफिट हुआ, पता नहीं कितने परसेंट आप लगा सकते हैं 0.025 से 0.5 तक, ठीक है, कितने गुना पता नहीं प्रॉफिट हुआ, ओके हो गया। और मैंने बिल्कुल थोड़े से सब्सक्राइब किए थे। अब इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका समझ ले, तरीका इसका बिल्कुल ही सिंपल है। यहां पे आप लोग नीचे आए, इसको जरा ओपन करें, यहां पे इसको ओपन करें, तो यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये कहता है कि आप लोगों के जो स्पॉट वैलेट है उसके अंदर सिर्फ बीएनबी होने चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। वो आपके कैलकुलेट होंगे 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, ठीक है, अभी जो चल रहा है मंथ, जो चल रहा है अप्रैल का चल रहा है, अप्रैल 23 से 28 अप्रैल तक बाइनांस उसको कैलकुलेट करेगा कि आपके स्पॉट वैलेट में कितने बीएनबी थे। उनकी बेस के ऊपर ये आप लोगों को लॉन्चिंग प्राइस के ऊपर ये जो क्वाइन है ईडीयू ये गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जब ये गिफ्ट करेंगे लॉन्च होने से पहले आप लोगों के पास आ जाएंगे, जैसे ही लॉन्च होंगे पंप आएगा, उस पंप के अंदर सेल आउट कर दें या थोड़ी सी सबर कर लें, बाद में सेल आउट कर लें, क्योंकि लॉन्चिंग प्राइस पे कभी भी ये कॉइन्स नहीं रहते, हमेशा ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, अब इसमें सीन क्या है, यहां भी आप लोगों को कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन टाइम जो है ऊपर बता रहा है 4 दिन 17 घंटे रहते हैं, मतलब इन दिनों के अंदर अगर आप लोग बीएनबी बाय कर लेते हैं तो वो आप लोगों के अकाउंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन पीरियड जो है वो 28 तारीख को 11 बजे होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पीरियड सिर्फ आप लोगों ने सब्सक्राइब पे क्लिक करना होगा या ऑटो ही हो जाएगा, आप लोगों के पास स्पॉट वैलेट के अंदर बीएनबी पड़े होने चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन पीरियड, मेरे पास 10 बीएनबी है, आपके पास 1 बीएनबी है, जितने आपको मिलने हैं उतने मुझे तो नहीं मिलने ना, मुझे तो ज्यादा मिलने हैं, फिर ये यहां पे कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितने देने हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन वो होगी 3 बजे, तो वो आप लोगों को टोकन मिल जाएंगे, फिर आप लोगों ने देखते रहना है कि ये किस टाइम लॉन्च हो रहा है, मतलब इसकी ट्रेडिंग किस टाइम ओपन हो रही है, जैसे ही ओपन हो पंप आए सेल आउट मार दें, ओके हो गया। तो ये सिंपल सा तरीका। अब आप लोगों ने यहां पे बीएनबी बाय करके रख लेने होते हैं, जब ये चीज खत्म हो जाए उसके बाद बेशक बीएनबी भी सेल कर दें, ठीक है। तो प्रॉफिट में तो वैसे ही आप इधर से भी रहेंगे उधर से भी रहेंगे। उसके लिए क्या सीन होता है, आपके पास स्पॉट वैलेट में बीएनबी कैसे होते हैं यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी एक छोटे चैनल के ऊपर कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लेकिन वो भी देख लीजिएगा, लेकिन यहां पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोगों ने आना है फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर, यहां पे आके आप लोगों ने बीएनबी सर्च करना है, ठीक है, या बाइनांस यूज कर रहे हैं तो यहां पे बिल्कुल यहां पे ये हॉट सेक्शन के अंदर सबसे ऊपर आप लोगों को बीएनबी नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाय के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, एक बाय कर लें, दो बाय कर लें, जितनी आपकी पसली इजाजत देती है, मैं एक बाय कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट प्राइस पे बाय कर लेता हूं, ठीक है। ये बाय बीएनबी पे क्लिक करूंगा, मेरा बीएनबी बाय हो गया, ठीक है। पहले मेरे पास 5 थे,
अब यहाँ पे आते हैं तो आई थिंक 6 हो गए होंगे मेरे पास। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास 6 BNB आ गए। यहाँ पे क्लिक करें तो मेरे पास 6 BNB आ गए। सिर्फ इतना सा काम होता है। अब मुझे पता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, 28 तारीख को जैसे ही मुझे गिफ्ट में वो कॉइन्स मिलेंगे भाई, मुझे अगर BNB प्रॉफिट में हुआ तो मैं BNB सेल कर दूंगा, मेरा क्या जाता है। ठीक है, यहां से भी प्रॉफिट लूंगा, जो फ्री कॉइन्स मिलेंगे वो तो जाहिर है पंप आना ही आना है, वो जब ऊपर जाएंगे तो मैं मल्टीप्लाई पता नहीं कितने के साथ उसको सेल आउट कर दूंगा। तो ये है मेरा तीसरा तरीका जहां से मैं जुगाड़ से पैसे निकालता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था, शफीक भाई सिर्फ ट्रेडिंग के अलावा कोई तरीका बताएं कि हम बाइनांस से पैसा निकालें। तो भाई ये तो वो तरीके हैं और यहां से दुनिया पता नहीं कितने लाखों कमा रही है। तो मुझे जो तरीके पता होते हैं मैं सिंसियरली आप लोगों से शेयर कर देता हूं। आप लोगों को पता है कि मुझे इस चीज का कई बार मुझे लोगों की तरफ से, यूट्यूबर्स की तरफ से स्पेशली प्रेशर होता है मेरे पे, मुझे गालियां भी पड़ती हैं कि यार, क्योंकि मैं वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो यूट्यूबर्स यूज करते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान तू हमारे साथ ज्यादती करता है। ठीक है, तो लेकिन खैर उसको छोड़े, जो मैं यूज करता हूं वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके हैं आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं। तो एंड स्क्रीन पे वीडियो दे रहा हूं, ये देख के अकाउंट बनाएं, वेरिफिकेशन करें और उसके बाद अगर आप लोगों ने इस लॉन्च पैड में हिस्सा लेना है तो 28 तारीख तक आप लोगों का टाइम है, वो लें। उसके बाद स्टेकिंग सीखें, स्टेकिंग जो मैंने आप लोगों को सीन बताया वो करें, चिल करें भाई। आप लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जेब में मोबाइल है, पैसा बन रहा है, और क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दो याद रखिएगा, हाफिज़ पाकिस्तान, फाइंदाबाद।